नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई इंसान मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने जाता है तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैं लेंस कौन सा डलवाऊं, ऐसा कौन सा लेंस रहेगा जो मेरे जीवन भर चलेगा और जिसको डलवाने के बाद मेरी आंख में बहुत अच्छी रोशनी आएगी। अधिकतर लोग जो लेंस की कीमत होती है उसको उसकी क्वालिटी से कंपेयर करते हैं कि जितना महंगा लेंस होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, और इस वजह से वो लोग इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। काफ़ी हद तक तो ये बात सही है कि लेंस जितना महंगा होता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑपरेशन के समय में या ऑपरेशन से पहले हमें ध्यान में रखनी होती है। हमारे देश में लगभग हर साल लाखों लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं और अधिकतर लोग एक खास प्रकार का लेंस अपनी आंख में डलवाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी बारे में आपको जानकारी दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि जब भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया जाता है तो मैक्सिमम लोग कौन सा लेंस डलवाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपको मेरे से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर चाहिए है, मतलब कि अगर आपको फ्री में एक कॉल पर कंसल्टेशन चाहिए है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस सब्सक्रिप्शन का एक स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से मुझे भेज दीजिए नीचे दिए हुए नंबर पर, फिर तो जो मेरी टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको टाइम स्लॉट देगी ऑनलाइन कंसल्टेशन का। ये जो मेरा ऑफ़र है ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ समय के लिए उपलब्ध है, तो अधिक से अधिक मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब मेरे पास ओपीडी में कोई मरीज़ आता है और मैं उससे कहती हूँ कि आपको मोतियाबिंद हो गया है, तो मरीज़ का जवाब ये होता है कि डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया है कि हमें मोतियाबिंद है, अब ये बताइए कि हम लेंस कौन सा डलवाएं, एक ऐसा लेंस जिससे हमें भविष्य में तकलीफ ना हो और जिससे हमें अच्छी से अच्छी रोशनी मिल सके। देखिए, हम कौन सा लेंस डलवाते हैं ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो सबसे मुख्य वजह होती है, वो होती है हमारा बजट। कि मरीज़ का बजट कितना है, मरीज़ ने किस अस्पताल में ऑपरेशन करवाया है, मरीज़ की आँख की स्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि आँख में कौन सा लेंस डाला जाएगा। जब भी हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी सी रेट लिस्ट आ जाती है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 70,000 और 1,00,000, और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो 70,000 वाला लेंस है वो 30,000 वाले लेंस से बेहतर होगा और जो 1,00,000 वाला लेंस है वो 70,000 वाले लेंस से बेहतर होगा। अगर हम एक नॉर्मल इंडियन इंसान की बात करें तो जो उसकी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि मुझे दूर का जो है वो बिना चश्मे के साफ दिखे, और पास के लिए तो मैं पहले भी चश्मा लगाता था तो मैं ऑपरेशन के बाद भी चश्मा लगा लूँगा। इसलिए इंडिया में लगभग 90 से जो 95% लोग होते हैं वो मोनोफोकल लेंस डलवाते हैं। अब मोनोफोकल लेंस क्या होते हैं? मोनोफोकल लेंस वो होते हैं जिनको आँख में डलवाने के बाद आपको दूर का साफ दिखाई देता है और आपको पास के लिए चश्मे का नंबर लगाना पड़ता है, और अधिकतर लोग इस ऑपरेशन के बाद काफ़ी हद तक संतुष्ट हो जाते हैं। अब अगर मैं मोनोफोकल लेंसेज के बारे में बात करूँ तो मोनोफोकल लेंसेज हमारे पास कुछ इंडियन कंपनी के भी होते हैं और कुछ विदेशी कंपनी के भी होते हैं। इंडियन कंपनी का देखा जाए तो अप्पा ग्रुप का सुप्राफोव है, केयर ग्रुप का एक्री आईओएल है, और जो ऑरो लैब ग्रुप का ऑरो व्यू है। ये तीनों लेंस एक स्टैंडर्ड लेंस हैं जो कि अगर आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो 10 से लेके 20,000 तक की रेंज में डॉक्टर आपका ये लेंस डाल देता है। ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब अगर हम लोग बात करें विदेशी लेंसेज, देखिए जो विदेशी लेंस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन कंपनी से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए ये ऑल ओवर वर्ल्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ना सिर्फ इंडिया में जबकि यूरोप में और ये अमेरिका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्वालिटी वाइज थोड़े से बेहतर होते हैं हमारे इंडियन लेंसेज से, और इसी वजह से ये थोड़े से महंगे भी होते हैं।
अगर आप विदेशी कंपनी की बात करें तो हमारे पास एलकॉन ग्रुप का एक्रीसॉफ्ट है, एक्रीसॉफ्ट आईक्यू है, क्लेरियन है। अगर हम जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें तो हमारे पास टेक्निस का मोनोफोकल आता है। अगर हम होया ग्रुप की बात करें तो होया का विविनेक्स आता है। तो ये सारे मोनोफोकल लेंसेज हैं जो कि बाजार में उपलब्ध हैं और आप अपनी आंख में डलवा सकते हैं। अब बात आती है कि आप किस शहर में रह रहे हैं या फिर आप किस शहर में अपना ऑपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप किसी Tier 1 सिटी में रह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, कलकत्ता, गुड़गांव हो गया या फिर बम्बई, चेन्नई हो गया, तो वहाँ पर जो ऑपरेशन का खर्चा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्पेशली वहाँ के कॉरपोरेट अस्पतालों में। लेकिन हाँ, वो लोग अधिकतर ये जो विदेशी कंपनी के लेंसेज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएंगे तो एक विदेशी कंपनी का जो मोनोफोकल लेंस है वो लगभग 25 से 30 हज़ार की रेंज में आपकी आँख में डाला जाएगा, जबकि जो इंडियन कंपनी है उसके लिए वो 15 से 20 हज़ार तक आपको चार्ज करते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपकी आँख में कौन सा लेंस डाला जाता है। देखिए, जो जितनी भी आपकी जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं ये मोस्टली मोनोफोकल लेंसेज के लिए पे करती हैं मरीज को, ये कभी भी मल्टीफोकल या एडॉफ के लिए पे नहीं करती हैं। तो जो मैक्सिमम लोग हैं, जो अधिकतर लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो अपनी आँख में मोनोफोकल लेंस डलवाते हैं। अब बारी आती है कि क्या मोनोफोकल लेंसेज के भी प्रकार होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, मोनोफोकल लेंस मेनली ना दो तरह के होते हैं, एक होता है रिजिड मोनोफोकल, दूसरा होता है फोल्डेबल। और आजकल का ज़माना जो है वो फोल्डेबल का ही है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको रिजिड मोनोफोकल लेंसेज के बारे में भी देती हूँ। जो बड़े चीरे वाले ऑपरेशन होते हैं जिन्हें हम लोग SICS कहते हैं, और जो आज के समय में भी कैंप में या कई सारे सरकारी अस्पतालों में होते हैं, तो उनमें SICS काफ़ी प्रचलन में होता है। अब इस ऑपरेशन का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि इस ऑपरेशन को करने के लिए हमको फेको मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, और फेको मशीन खुद में ही काफ़ी महंगी एक इंस्ट्रूमेंट है या एक महंगी मशीन है। दूसरी बात ये कि जब आपको बहुत नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा करने होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी सारी जनसंख्या है तो फिर मोतियाबिंद के मरीज़ ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे केस में जो ये बड़े चीरे वाले ऑपरेशन होते हैं ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तीसरी बात ये कि इसमें जो लेंस डाले जाते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब वो मुड़ते नहीं हैं, वो प्लास्टिक की तरह होते हैं, मुड़ते नहीं हैं, और उसका जो मटेरियल होता है वो PMMA होता है, मतलब कि आपका पॉलीमिथाइल मिथैक्राइलेट। तो ये भी एक मोनोफोकल लेंस होता है जिसको लगाने के बाद दूर के लिए तो अच्छी रोशनी आती है, पास के लिए हमको चश्मा लगाने की ज़रूरत होती है। अब लेकिन क्योंकि चीरा बड़ा होता है तो जो ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी का समय है या जो घाव के भरने का समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं फोल्डेबल लेंसेज की। फोल्डेबल लेंसेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक छोटे से चीरे से लगभग 2.2 या 2.8 मिलीमीटर तक के इतने छोटे से चीरे से आँख के अंदर डाल दिया जाता है। वो ऐसे मोड़ के आँख के अंदर डाला जाता है, और जब वो आँख के अंदर चला जाता है तो वो ऐसे खुल जाता है। अब इन लेंसेज का फ़ायदा क्या होता है? छोटा चीरा होता है तो ऑपरेशन के बाद जो चश्मे का नंबर आने की संभावना होती है वो बहुत कम होती है। दूसरी बात ये कि जो रिकवरी का समय होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो ये जो सारे हैं, ये सारे फायदे हैं हमारे फोल्डेबल लेंसेज के। एक बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए, अगर आपके पास बजट की कमी नहीं है, आप थोड़ा बहुत पैसा अपनी आँख पर अगर खर्च कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपनी आँख में फोल्डेबल लेंस डलवाएं। फोल्डेबल में भी कौन सा फोल्डेबल? हाइड्रोफोबिक, एक्राइलिक, फोल्डेबल IOL विद एस्फेरिक सरफेस। अब इन लेंसेज का जो मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी ये जो लाइन बताई है, इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि एक चीज़ होती है कि ऑपरेशन के बाद जो हमारी लेंस के पीछे झिल्ली आ जाती है, तो झिल्ली आने की संभावना इन हाइड्रोफोबिक फोल्डेबल लेंसेज ऑफ एक्राइलिक मटीरियल विद एस्फेरिक सरफेस, उनमें जो झिल्ली आने की संभावना होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और आप अभी तक अगर मेरे वीडियो में बने हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरे से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए है कॉल पर, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका एक स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
आपका व्हाट्सएप मिलने पर जो मेरी टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी और आपको जो फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन है उसका टाइम वो आपको बता देगी। अब बात ये करते हैं कि मैं कहाँ पर ऑपरेशन करवाऊंगा तो मेरी आंख में कौन सा लेंस डाला जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैंप में, अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं या फिर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो हम कैंप की बात करते हैं कि अगर आप कैंप में ऑपरेशन करवाते हैं तो वहाँ पर अधिकतर बड़े चीरे वाला ऑपरेशन होता है और एक मोनोफोकल डिजिट लेंस आपकी आँख में डाला जाता है। फिर आते हैं सरकारी अस्पतालों में। सरकारी अस्पतालों में दोनों तरह की सुविधाएं होती हैं, छोटे चीरे वाला ऑपरेशन भी होता है, बड़े चीरे वाला ऑपरेशन भी होता है। जो बड़े चीरे वाला ऑपरेशन होता है उसमें वही रिजिड मोनोफोकल लेंस जो कि PMMA मटेरियल का बना होता है वो डाला जाता है, और जो छोटे चीरे वाला या जो फेको विधि से ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन में मरीज की आंख में हम लोग फोल्डेबल हाइड्रोफोबिक मोनोफोकल लेंस डालते हैं। अब अगर आप अपना आयुष्मान से ऑपरेशन करवा रहे हैं तो उसमें भी एक फोल्डेबल मोनोफोकल लेंस आपकी आंख में डाला जाता है। अब आते हैं हम लोग एक टायर टू या टायर थ्री सिटी में, जो छोटे शहर हैं और वहाँ पर जो छोटे छोटे प्राइवेट क्लिनिक या जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें कौन सा लेंस डाला जाता है। उनमें भी आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन जो ज़्यादा प्रचलन में है वही मोनोफोकल लेंसेज हैं। अब हम आते हैं टायर वन सिटी में कि आप दिल्ली में बैठे हैं, गुड़गांव में बैठे हैं या बम्बई में बैठे हैं या कलकत्ता में बैठे हैं, तो इन शहरों में जो अच्छे अस्पताल होते हैं या जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं वो अधिकतर इडॉफ, मल्टीफोकल ये सारे लेंसेज आपकी आँख में डालने के लिए आपको बोलते हैं। बस ये है कि जो इन सारे लेंसेज का जो खर्चा है या जो ऑपरेशन का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन लेंसेज के कुछ फ़ायदे तो होते हैं लेकिन हाँ, उन फ़ायदों की तुलना में ये जो लेंसेज होते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और हर किसी की जेब इतना बजट अलाउ नहीं करती है। इसका ये जो रेट होता है मल्टीफोकल, ये जो विदेशी कंपनी के मल्टीफोकल या एडोफ लेंस है, तो वो सर्जरी 80,000 से लेकर 1,00,000 तक की होती है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख के संबंध में या फिर आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आप अभी तक अगर मेरे साथ में बने हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद एंड बाय बाय।